बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रहे गंभीर अत्याचार और उसमें भी घोर अपराध अभी अभी जो झालावाड़ में हुआ कि हमारी 15 साल की बेटी और जिसके साथ सामूहिक बलात्कार का कांड हुआ, ऐसे जघन्य अपराध जिसके लिए राजस्थान की सरकार के कान भी नहीं खुल रहे तो ना ही उनकी आंखें खुल रही हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत अफसोस है कि राजस्थान के अंदर एक ही नहीं अनेक जगहों पर ऐसा अत्याचार हुआ। मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत छोटा ही है, 8 विधानसभाओं का क्षेत्र, जिसके अंदर 23 कांड हमारी महिला और बेटियों के खिलाफ इतने जघन्य अपराध हुए, लेकिन उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि राजस्थान में 6,14,000 FIR दर्ज हुई एक साल में, जिसमें अकेले 80,000 FIR केवल बालिकाएं और महिलाओं के कारण हुई हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि ऐसे में रेप के केस भी यदि देखे जाएं तो 12,000 हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान को यदि हम ये कहें कि केवल ये महिलाओं और बालिकाओं के अत्याचारों का स्टेट हो गया है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय सभापति जी, राजस्थान में जिस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं, मुझे अफसोस होता है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि महिलाओं के प्रति इतना बड़ा जघन्य अपराध होने के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। हमारा एक पूरा दल, आपको ध्यान होगा कि कोटा में भी जब जिस तरह के अत्याचार हुए थे और एक ही 24 घंटे के अंदर जब 16-16 बच्चों की मौत हुई थी, उनमें बेटियां कितनी थी, उस पर भी जब ये बात आई तो केवल लीपापोती होता है। तो मेरा आपके माध्यम से मैं ये ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि राजस्थान की सरकार जिस तरह से महिला और बेटियों के साथ होने वाले अत्याचारों को सहन कर रही है, इस पे कोई ना कोई संज्ञान जरूर लेना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।